हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में परिचारक यानी कि लाइनमैन के लिए वैकेंसीज जो अभी निकली गई थी, तो उसका आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जो है जारी कर दिया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में सीएसपीसी की साइट में जाएंगे आपको यहां मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ, ये रायपुर सर्कल वाले के लिए है, ठीक है। जैसे कि तीन सर्कल में सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए भी यहाँ पर जारी किया गया था। तो मैं बात कर लेते हैं, यहाँ पर पोस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि जो रायपुर सर्कल जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत इतनी सारी जहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई थी, 1200 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई थी। और इसके लिए आपके जो ऑनलाइन आवेदन है आज से 21 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आज की डेट से शुरू हो रहे हैं। और इसके लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बता दूँ कुछ कुछ चीज़ें मैं, कि छत्तीसगढ़ के लिए मूल निवासी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास यहाँ का डोमिसाइल है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं किए गए हैं। आपको यहाँ पर जो आपका क्या कार्य रहेगा वो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको यहाँ पर जैसे कि आपको जो बिजली के खंभे होते हैं उसकी रिपेयरिंग करनी होगी, इस तरीके के काम आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आपका जो यहाँ पर स्टाइपमेंट, लोग पूछे थे कि सर इसके लिए हमारी जो है सैलरी कितनी बनेगी, तो 14,800 से 33,000 के बीच आपकी जो है सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में। और जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो किया गया है कि आपको पहले एक साल में 70% वेतन दिया जाएगा, उसके बाद 80%, उसके बाद 90%, फिर आपको 3 साल की परिवेक्षा अवधि के बाद ही आपको जो है आपका पूरा वेतन दिया जाएगा। तो ये नियम इसमें लागू होंगे जो कि सारी विभागों में लागू हो रहे हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मुख्य बात थी कि आयु सीमा इसके लिए क्या रहेगी, ठीक है। तो जो आयु सीमा आपकी वो 1 जनवरी 2021 से जो है काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2021 से आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक हो या 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु जो रखी गई है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग, जैसे कि अनारक्षित वालों के लिए 40 साल है मैक्सिमम आयु, और अनुसूचित जाति यानी कि SC वालों के लिए 45 ईयर, ST वालों के लिए भी 45, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वालों के लिए 45 ईयर यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो ये आपको छूट इस प्रकार की इसमें दी जाएगी। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट और बात यहाँ पर है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है, तो आपको छत्तीसगढ़ की जो कोई भी बोर्ड से आपको 10वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी, चाहे आप CBSE से हो, चाहे CGBSE या फिर ICSE, किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी जरूरी है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आरक्षण का जो नियम रहेगा, जिस प्रकार आपको सारी परीक्षाओं में मिलता है ST SC OBC की बेस पर, वो सेम वैसा ही दिया जाएगा इस पर, ठीक है। आपको आवेदन किस प्रकार करना है तो उसके लिए अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा किस प्रकार करना है, ठीक है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो यहीं से इसका जो है आपका आवेदन होगा। आवेदन शुल्क बात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो कि अनरिजर्वड यानी कि जो अनारक्षित वाले जो स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ जो पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वाले बच्चे हैं, उनको यहाँ पर 300 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा भुगतान के रूप में। और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC और ST कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर 200 रुपये का जो है वो शुल्क भुगतान करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट ही होगा आपका, और किसी प्रकार से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन भरने के लिए, ठीक है, जो दिनांक रखा गया है वो कब तक है, अंतिम तिथि जो है वो 22 सितंबर, ठीक है, लास्ट डेट है। मानी कि आपको पूरा पूरा 1 महीना आपको समय दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग डाउट था कि सर चयन प्रक्रिया मतलब कि इस पे हमारे जो है सिलेक्शन कैसा होगा, क्या कोई सा एग्ज़ाम होगा या सीधी भर्ती होगी, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती होने वाली है, एकदम सीधी सी डायरेक्ट। आपको कोई कुछ नहीं करना, आपके परसेंट यहाँ पर लिखा गया कि आपके जो कक्षा 10वीं में जो परसेंट है आपके, ठीक है, उस कक्षा की परसेंटेज के हिसाब से आपको एक मेरिट शीट तैयार की जाएगी, ठीक है, और उसी के बेस पे आपका चयन होगा। चयन किस प्रकार किया जाएगा, आप जितने भी अंक 10वीं में पाए हैं परसेंट पे, उसका आपको 70% अंक जोड़ा जाएगा, बचे 30% अंकों को जो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप करेंगे कि एक्सपीरियंस को कैसा दिया जाएगा, तो यदि इससे पहले आपने संविदा के रूप में अगर इस संस्थान में कहीं काम किया हुआ है, तो आपको अनुभव के आधार पर जो है 30% नंबर रखे गए हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 से 3 वर्ष का अनुभव है तो आपको वहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे, यदि आपको 3 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो आपको वहाँ पर 30 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद 3 गुना जितने पद हैं उसके आपको, जैसे 1500 पद यहाँ पर टोटल जैसे निकाले गए हैं, ठीक है, तो इसका जो है 3 गुना यानी कि 4500 लोगों को यहाँ पर 4500 लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इतने सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, और उससे पहले यहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है।
जिसको यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं शारीरिक दक्षता, ठीक है, टेस्ट। और इसका कोई नंबर नहीं रहेगा, केवल एक ये जो रहेगा एलिमिनेशन राउंड होगा, जिसपे कि आपको अगर आपने इसमें यदि उत्तीर्ण होते हैं फिजिकल टेस्ट में तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और ये किस प्रकार का होगा आपका फिजिकल टेस्ट, तो उसके लिए भी लिखा गया है कि आपको क्या करना है। पहला, आपको 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना, यानी कि आपको कोई सीढ़ी नहीं दिया जाएगा, आपको 13 मीटर ऊंचे जो खंभे होते हैं बिजली के उस पर आपको चढ़ना है, ठीक है। यदि आप चढ़ जाते हैं तो आप इसमें परीक्षा में पास हो जाएंगे। और दूसरा टेस्ट क्या होगा आपका, आपको 15 मिनट में आपको 25 किलो का एक वजन के बोरी दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको ले करके आधा किलोमीटर आपको चलना होगा। तो ये आपका दो प्रकार का आपका जो है फिजिकल टेस्ट रहेगा, इस पर आपको उत्तीर्ण होना है, तब आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप फिजिकल टेस्ट पार कर लेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वहाँ से जो लोग चयन होंगे अंततः जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, उसके बाद उन लोगों का चयन हो जाएगा। और इस चयन में आपको कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है कि इसमें आपका जो है 4 वर्षों के लिए आपका बॉन्ड साइन कराया जाएगा 50,000 रुपये के लिए, कि अगर आप 4 साल से पहले यदि नौकरी छोड़ते हैं अगर आप, तो आपको जो है 50,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना होगा, जो आपकी राशि आपसे शुरू में ही जमा करवा ली जाएगी। और 4 साल पूरा होने के बाद यानी कि परीक्षा अवधि पूरी हो जाएगी तो वो पैसे आपको जो है पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। कुछ अन्य शर्तें लिखी गई हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो जैसे कि आपको केवल कहा गया कि केवल जो ऑनलाइन फॉर्म ही केवल आपकी जो हैं वो स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है, और यदि कोई गलत जानकारी यदि आप देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, बाद में कोई जानकारी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको आवेदन करने से पहले सारी आपको चीज़ें ध्यान से पढ़ लेनी है, सही सही जानकारी आपको देनी है, ठीक है। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो एक बार इसको आवेदन पढ़ने से पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और बाकी इसका आवेदन जमा कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहां से आपको और मदद मिल जाएगी वीडियो के लिए कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो अभी इसके लिए जो है लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, तो कुछ टाइम बाद इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, अभी दोपहर तक में हो जाएगा, तो उसके बाद अप्लाई करिएगा आप लोग। अभी जल्दबाजी करके फॉर्म गलती मत करिएगा, ठीक है, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरना शुरू करिएगा, क्योंकि लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, हो सकता है कुछ करेक्शन हो सकता है उसमें लिंक में अभी, ठीक है। तो कुछ समय वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही सब शुरू करिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको मैं उसका दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बस्तर संभाग के लिए निकाला गया है पोस्ट, उसका भी लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। और उसके अलावा आप ये भी देख लीजिए कि जो सरगुजा सर्कल के लिए जो निकाला गया है वैकेंसी, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो बाकी आपको और कोई डाउट होगा तो वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।